इस समय महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्माई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस लिस्ट में अब बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत का नाम भी सामने आ गया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस सब पर अपनी भी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं इस वीडियो में कंगना क्या कह रही हैं। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है, और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। कई बार संजय राउत संग कंगना रनौत का हंगामा हुआ तो जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया तो ये मामला और गर्मा गया। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि कंगना के इस वीडियो पर उद्धव ठाकरे की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। INS रिपोर्ट।